अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल फिट हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको शो करवाऊंगी अपनी वैनिटी टूर, अपनी मेकअप प्रोडक्ट्स। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इससे पहले कि मीरा मेरी मेकअप का सारा सत्यानाश कर दे। ये देखें जी, मीरा आप ये क्या कर रही हैं बेटा? ओ माई गॉड, ये क्या कर लिया आपने अपने फेस को? डोंट डू जी। सबसे पहले हम देखते हैं मेकअप पैलेट्स, जिसमें कंटूर पैलेट्स, हाइलाइटर पैलेट्स, आई शेडो पैलेट्स में हर किस्म की आपको वैरायटी मिलेगी। ये है 108 कलर्स आई शेडो हुदा ब्यूटी के, और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखें, ये बहुत बड़ी पैलेट है, इसमें 108 कलर्स हैं, हर टाइप का कलर है। इसमें मैट भी है, थोड़ा सा ग्लिटरी भी है, और बहुत ज़्यादा जो शाइनिंग वाला ग्लिटरी है वो उसमें भी डिफरेंट कलर्स हैं। और अगर आपने कोई भी हैवी मेकअप करना है, लाइट मेकअप करना है, पीची मेकअप करना है, या स्मोकी आइज़ बनाने हैं, या इवनिंग में कोई भी ग्लिटरी मेकअप करना है, तो ये पैलेट आप एक पैलेट ले लें, ये हर लुक आपका क्रिएट कर देगी। और ये है भी बहुत अफोर्डेबल। मैंने ये दराज से बाय की थी, मुझे उसका लिंक याद नहीं है, मुझे 6-7 मंथ्स पहले मैंने ये दराज से ली थी, और तब ये 1200 की थी। अब भी इसकी प्राइस 1200 से 1500 के दरमियान होगी, और ये बहुत अफोर्डेबल किट है। और फिर ये आ जाती है हाइलाइटर एंड ब्लश ऑन किट। ये है ब्यूटीफाई बाय आमना की। ये पर्सनली मुझे बहुत बहुत पसंद है, क्योंकि मैं जब भी हल्का फुल्का मेकअप करना हो तो मैं इसे बैग में भी जल्दी से रख लेती हूँ। इससे आईज़ मेकअप भी हो जाता है आपका, ब्लश ऑन भी लग जाता है, हाइलाइटर भी लग जाता है। तो ये जो भी स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग्स, और या फिर जो भी जॉब करती हैं, ऑफिस जाती हैं गर्ल्स, उनके लिए बहुत अच्छा है। वो इजीली इसे बैग में कैरी कर सकते हैं, और इससे आपकी पूरी ओवरऑल मेकअप लुक क्रिएट हो जाती है। इसका जो ये ब्लशर है क्रेजी गर्ल, ये बहुत ही प्यारा है, इसे पिंक पिंक सी बिल्कुल आपको लुक देता है। एंड कूल शुगर इज़ अ पीची टाइप, और ये आइस पर लगा हुआ काफ़ी अच्छा लगता है। और ये है कंटोरिंग ब्लशन एंड हाइलाइटर किट। ये भी काफ़ी अच्छी है। इसके जो हाइलाइटर हैं वो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे इसके हाइलाइटर बहुत पसंद है, और ये कंटोर के लिए भी बहुत अच्छी है। ये स्पार्क के नाम से किसी भी लोकल कॉस्मेटिक की शॉप से आपको मिल जाएगी। मैंने ये भी दराज से बाय की थी, और 700 से 800 के दरमियान थी इसकी प्राइस। ये देखें जो इसके हाइलाइटर है वो बिल्कुल भी ग्लिटरी टाइप नहीं, आपके फेस पर गिरते नहीं है। मुझे जो शिमरी टाइप हाइलाइटर्स होते हैं ना, जो फेस पे थोड़े से गिरते हैं या स्पार्कल्स होते हैं, जिनमें मुझे वो नहीं अच्छे लगते। हाइलाइटर हमेशा सिर्फ शाइनिंग आनी चाहिए आपके फेस पे, लेकिन कुछ गिरा गिरा हुआ फील ना हो, तो ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद आ जाती है ये पैलेट। ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, इसी में थोड़ी सी अपनी फंकी लुक क्रिएट कर लेती हूँ। इसका जो ये ब्लू शेड्स हैं, शाउट आउट ब्लू डायमंड, फिन स्टेरी नाइट, ब्लू स्ट्रॉम, ये बहुत ही प्यारे शेड्स हैं। इससे आप आराम से ब्लू लाइनर भी लगा सकते हैं। आजकल ब्लू, ये ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इस टाइप का मेकअप का फैशन भी है, नियॉन मेकअप का, तो इससे काफ़ी अच्छी मेकअप लुक क्रिएट हो जाती है। इसकी भी थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि ऑब्वियसली मिरहा जब भी मैं मेकअप करने लगती हूँ तो वो आके हाथ मार देती है, और कुछ ना कुछ वो डैमेज कर ही देती है। और ये है मेरी बेस की कुछ प्रोडक्ट्स, कि मैं अपनी बेस किस तरह से बनाती हूँ। अगर मुझे थोड़ा सा हैवी मेकअप करना होता है, फुल कवरेज मेकअप, और बिल्कुल मैट फिनिशिंग में, कि उस पर बिल्कुल भी चिपचिप ना हो, थोड़ी देर बाद स्किन ऑयली ना हो जाए, तो ये जो एसेंस का मूज है ये परफेक्ट है। ये है भी ऑयली स्किन के लिए, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई भी है तब भी आप अपनी स्किन को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, और उसके बाद आप ये यूज़ करें, तो आपकी स्किन पे बिल्कुल भी ऑयल नहीं आता। ये देखें कुछ इस तरह की इसकी पिगमेंटेशन है, कुछ थिकनेस है, और ये बहुत ही अच्छी लगती है फेस पे लगी हुई, बिल्कुल मैट फिनिश देती है आपके फेस पर ये। उसके बाद आती हैं ये फाउंडेशन की कलेक्शन। ये जो एसेंस की स्टे ऑल डे 16 और ST की फाउंडेशन है, ये मैं आम रूटीन में यूज़ करती हूँ डे में, अगर मुझे हल्का फुल्का कुछ मेकअप करना हो, क्योंकि इनकी कवरेज इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे यूज़ करने हैं, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या आपने यूनिवर्सिटी जाना होता है, आप चाहते हैं कोई अच्छी सी बेस हो जो आपके थोड़े से जो फेस पर निशान होते हैं उनको हाइड कर दे, तो ये काफ़ी अच्छी फाउंडेशन है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैंने जब भी हैवी मेकअप करना होता है किसी पार्टी के लिए, शादी के लिए, जब फुल कवरेज मेकअप, तो मैं ये 3 प्रोडक्ट्स लाजमी यूज़ करती हूँ। ये एसेंस का मैटिफाइंग कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये बहुत ही ज़बरदस्त इनका पाउडर है, और दूसरी ये एसेंस का सॉफ्ट टच का मूज, और सुपर स्टे मेबलिन की 24 आवर फुल कवरेज फाउंडेशन। मेबलिन की फिटमी भी अच्छी है, लेकिन वो फुल कवरेज नहीं है। ये जो सुपर स्टे है इनकी फुल कवरेज फाउंडेशन है, ये बहुत अच्छी है।
अगर आपकी स्किन मेरी तरह ड्राई है और सर्दियों में तो स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो सबसे पहले अपनी स्किन को आप प्रिपेयर कर लें। ये जॉनसन का मॉइस्चराइज़र है, इनकी एक क्रीम है, ये बहुत अच्छी है स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए। उसके साथ मैं विटामिन सी का ये सीरम यूज़ करती हूँ। आपके पास जो भी सीरम है आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ये ब्यूटीफाई बाय आमना का ही प्राइमर है। कभी मैं एसटी का प्राइमर भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन ब्यूटीफाई बाय आमना का प्राइमर ज़्यादा अच्छा है उससे, और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल भी है। तो उसके बाद स्किन को प्रिपेयर करने के बाद ही आप बेस अप्लाई करें, और जब भी आप लिपस्टिक अप्लाई करें उससे पहले आप ये लिप एड मास्क ज़रूर अप्लाई करें। कोई भी आपके पास लिप मास्क है तो वह पहले लगाएं, देन लिपस्टिक अप्लाई करें, वरना सर्दियों में ना लिप्स ऐसे फटे फटे हो जाते हैं। उसके बाद आ जाती है कंसीलर। मेरे पास दो कंसीलर हैं, ये प्रो कंसील है HD, ये तो बहुत ज़्यादा इन है, हर जगह से मिल जाता है और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल भी है, 500 से 600 के दरमियान होता है। दूसरा है फिटमी का, लेकिन मुझे फिटमी से ज़्यादा ये प्रो कंसील अच्छा लगता है। एक तो ये रीज़नेबल है, दूसरा इसकी कवरेज भी ज़्यादा अच्छी है। फिटमी का भी अच्छा है लेकिन वो ज़्यादा रीज़नेबल है। उसके बाद आ जाता है सबसे ज़बरदस्त मस्कारा। अगर आप कोई भी अच्छा मस्कारा देखना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, तो आप ये ज़रूर लें। ये एसेंस का मस्कारा है लैश प्रिंसेस, ये ग्रीन कलर वाला, ये बहुत 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 अच्छे है, आपकी जो लैशेस को बहुत थिकनेस देता है ये। और ये है मेबलिन का मार्कर लाइनर। मार्कर लाइनर आप किसी भी कंपनी का अच्छा ले सकते हैं, लेकिन लीजिएगा मार्कर लाइनर ही, क्योंकि अगर आपकी आँख से कोई पानी वगैरह आता है तो ये बिल्कुल भी फैलता नहीं है, ये अपनी जगह ही फिक्स रहता है। उसके बाद ये आगे है BBA का ही मिस्ट एंड फिक्स मेकअप सेटिंग स्प्रे, और ओ माई गॉड ये बहुत अच्छा मेकअप सेटिंग स्प्रे है। इसे मेकअप एक तो अपनी जगह टिका रहता है और दूसरी आपकी स्किन पे ना एक बहुत प्यारी सी शाइनिंग आ जाती है। उसके बाद आप देखें कुछ मेरी लिपस्टिक कलेक्शन है पिंक कलर की, तो मैं लवर हूँ, मैं पिंक न्यूड रेड ये कलर मेरे पास बहुत ज़्यादा है। आजकल न्यूड का फैशन है तो उस तरह के मेरे पास कलर हैं, ये किस्मी के हैं। उसके बाद मेडोरा मेरी फेवरेट है अभी तक, मेडोरा की जो लिपस्टिक्स होती हैं मुझे पर्सनली वो बहुत पसंद हैं। ये देखें ये इसका पिंक कलर है, उसके बाद ये 222 इनका शेड है, और ये है रेड कलर, और ये बहुत ही ज़बरदस्त इनका रेड कलर है। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।